हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएनजी मीडिया। आज मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 के बारे में एंड बेनम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वेनम रिलीजिंग डेट 5 अक्टूबर 2018। तो गाइस, फाइनली सोनी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम वेनम पर एक मूवी बनाएंगे। तो इस मूवी को इतना लेट बनाने का मकसद क्या था? तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन पुरानी वाली 2000 सीरीज की, स्पाइडरमैन 1, 2, 3, जिसके थर्ड पार्ट में जो वेनम दिखाया गया था वो वेनम वहाँ पर मर चुका था और वो किस्त कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मूवी आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन, उस मूवी के 2 पार्ट आए, थर्ड पार्ट कैंसिल हो चुका था। उसका रीज़न ये था कि जब एज ऑफ द अल्ट्रॉन की शूटिंग चल रही थी तो मकसद ये था कि स्पाइडरमैन को उसमें जोड़ा जाए, दिखाया जाए, पर वो मूवी को नहीं जोड़ा गया क्योंकि एज ऑफ द अल्ट्रॉन के कंप्यूटराइज आधे से ज़्यादा VFX काम कंप्लीट हो चुका था CGI द्वारा, तो उस मूवी को दोबारा बनाया नहीं जा सकता था, तो इसलिए स्पाइडरमैन को जोड़ा नहीं गया और स्पाइडरमैन की थर्ड किस्त कैंसिल हो गई थी। बस यही रीज़न था। फिर फाइनली MCU ने सोनी के संग हाथ मिलाया और बोला कि हम सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे संग काम करिए। तो अब रिलीज़ हो रही है स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाएगा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का छोटा सा सीन वेनम का होगा। फिर वेनम की जब मूवी 2018 में आएगी तो गाइस, सोनी का मकसद था कि हम स्पाइडरमैन की सीरीज को एक जोड़ के चलें, तो मे बी पॉसिबल था यही हो सकता है कि वेनम के ऊपर एक जो मूवी बन रही है वो ओरिजिन स्टोरी होगी वेनम की, और वेनम कॉमिक बुक के हिसाब से एक और स्पाइडरमैन के हिसाब से एक विलेन है, पर वेनम कॉमिक बुक के हिसाब से एक छोटा सा एंटी हीरो भी है जिसमें कि आधा हीरो आधा विलेन। तो वेनम के ऊपर ये मूवी बन रही है तो गाइस ऑसम मूवी होगी मेरे हिसाब से। तो आप एक बार जरूर देखिएगा, ये मूवी 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हो रही है। नंबर 2, रिलीजिंग डेट 5 जुलाई 2019, स्पाइडरमैन होमकमिंग 2। तो गाइस, फाइनली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 इसका टाइटल नहीं होगा एंड इसकी कास्ट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो स्पाइडरमैन के गुरु है तो उनका वो रोल उसमें हो सकता है क्या नहीं ये पता नहीं, पर MCU के द्वारा शायद और भी कैरेक्टर स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 में जुड़ सकते हैं। एंड एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद Part 1, Part 2 और वेनम के बाद स्पाइडरमैन की दुनिया पे क्या असर पड़ेगा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का, क्योंकि उस साल की सबसे बड़ी पिक्चर होगी। मुझे लगता है कि स्कूल के सारे बच्चे उस दिन छुट्टी ले लें और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने जाएगा। उसका विलेन कौन होगा? तो गाइस, अभी तो कुछ ऐसे कंफर्म नहीं है, पर डेट फाइनल हो चुकी है 5 जुलाई 2019 में। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, एंड जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हैं यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब भले उस पर गोब्लिन की गोली फेंक के मारो या कुर्सी उठा के मार दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।